तो गाइस एवेंजर्स एंड गेम को रिलीज होने में अब पूरे 23 दिन रह गए हैं, पर मार्वल ने इसी के साथ इसका एक और ट्रेलर या फिर कहीं स्पेशल लुक टीजर भी लॉन्च कर दिया है। और इसकी खास बात ये थी कि इसमें लगभग हर सीन नया था, जो हमें मूवी के बारे में काफी कुछ बता देता है। तो यार सच बताऊं, अब मूवी का और वेट नहीं हो रहा, पर फिर भी हम इसका ब्रेकडाउन जरूर करेंगे और देखेंगे कि मार्वल ने इस स्पेशल लुक टीजर में क्या क्या छिपाने की कोशिश की है। वेल, तो फिर शुरू करते हैं। सो नंबर 1, एवेंजर्स टाइम में पीछे जरूर जाएंगे। और ट्रेलर को देखकर बिल्कुल ऐसा ही लगा, क्योंकि इसमें दो ऐसे सीन थे जो बिल्कुल एवेंजर्स 1 की न्यूयॉर्क बैटल के सीन से मेल खाते हैं। एक तो तब जब टोनी अपने मार्क 85 आर्मर में था, और दूसरा तब जब टोनी कैप्टन को उस पर ट्रस्ट करने के लिए कहता है। अगर आप इन दोनों सीन्स को देखें तो पीछे की ये बिल्डिंग्स न्यूयॉर्क बैटल के टाइम की फील देती हैं। और ऊपर से एक खास बात देखने को ये मिली कि इसमें जो कैप्टन अमेरिका टोनी के साथ हाथ मिला रहे हैं वो प्रेजेंट के नहीं बल्कि पास्ट यानी एवेंजर्स 1 के टाइम के हैं। क्योंकि अगर आप ध्यान से देखें तो कैप्टन के कान के पास एक डार्क लाइन दिख रही है, और ऐसा लग रहा है जैसा कि उनके हेलमेट को CGI से हटा दिया हो। मतलब मार्वल स्टूडियोज ने हमें कंफ्यूज करने के लिए CGI से कैप्टन के पुराने सूट को नए सूट से बदल दिया है, पर यहाँ टोनी ने वही कपड़े पहने हैं जो हमने पिछले साल के लीक साइड फोटोज में देखे थे, जो बताता है कि ये टोनी फ्यूचर का ही है। मतलब कुल मिलाकर एवेंजर्स 1 के टाइम में जाना तो पक्का है। नंबर 2, टोनी जल्द ही स्पेस से आ जाएगा। सो ट्रेलर में एक सीन था जब टोनी और पेपर एक दूसरे के गले मिल रहे थे, और ये सीन पिछले ट्रेलर के इस सीन से बिल्कुल मेल खाता है, जब हर कोई आसमान की तरफ देख रहा था। तो ये तो ऑब्वियस है कि वो बेनेटार यानी गार्डियंस की शिप होगी जिसमें टोनी और नेबुला वापस आएंगे। लेकिन ध्यान देने की बात ये है कि इस सीन में ब्लैक विडो के हेयर ब्लॉन्ड है, और रॉकेट के पास भी अपनी पुरानी इन्फिनिटी वॉर वाली कॉस्ट्यूम है, यानी ये मूवी के बिल्कुल शुरुआत के सीन्स में से एक है। तो इसका मतलब टोनी जल्द ही स्पेस से लौट आएगा, और इसी बात को हम आगे बिल्कुल कंफर्म कर देंगे। नंबर 3, टोनी को रेस्क्यू करेगा कौन? वेल, हमने देखा कि पेपर और एवेंजर्स दोनों ही टोनी का अर्थ पर इंतजार कर रहे हैं। मतलब ये थ्योरी तो बिल्कुल ही फेल हो जाती है कि पेपर टोनी को रेस्क्यू करेगी या एवेंजर्स टोनी को रेस्क्यू करेंगे। लेकिन फिर भी हम ये मानकर चल सकते थे कि कैप्टन मार्वल टोनी को वापस लाएगी, पर वो बात भी सही नहीं निकली, क्योंकि हमने कैप्टन मार्वल के पोस्ट क्रेडिट सीन्स में ये ऑलरेडी देख लिया है कि वो पहले ही एवेंजर्स के पास पहुंचाएगी। तो फिर टोनी को रेस्क्यू करेगा कौन? वेल, वो हमें नहीं पता, और शायद यहीं पर मार्वल हमें कोई सरप्राइज दे दें, या मे बी गाइज ऐसा ना हो और टोनी और नेबुला किसी और तरीके से अर्थ पर वापस आए। नंबर 4, मूवी की स्टार्टिंग में ही थैनोस से लड़ने की प्लानिंग शुरू हो जाएगी। वेल, हमने ट्रेलर में देखा कि सारी टीम ये प्लान कर रही है कि वो थैनोस को कैसे हराएं या फिर कैसे इन्फिनिटी स्टोन्स को उससे वापस लाएं, ताकि स्नैप के इफेक्ट को रिवर्स किया जा सके। लेकिन अवेंजर्स ऐसा तभी सोच सकते हैं जब उन्हें थैनोस की लोकेशन पता हो, और वो उन्हें कोई और नहीं नेबुला बताएगी। और मैंने आपको ये ऑलरेडी बता दिया है कि टोनी और नेबुला जल्दी ही स्पेस से आ जाएंगे। सो थैनोस को हराने की प्लानिंग वाला ये सीन भी शुरुआत का ही होगा, और ऐसा इसलिए क्योंकि इस सीन में जब पूरी टीम बेनेटार यानी गार्डियंस की शिप में बैठी है, तो इसमें एवेंजर्स के साथ साथ नेबुला भी है, और ऊपर से ब्लैक विडो के हेयर अभी भी ब्लॉन्ड है, और इसके साथ ही रॉकेट की कॉस्ट्यूम वो भी इन्फिनिटी वॉर वाली है। मतलब ये सीन्स मूवी शुरू होने से 20 से 25 मिनट बाद के हो सकते हैं। नंबर 5, एवेंजर्स फिर से थैनोस से हार जाएंगे, इसलिए थॉर टीम से कुछ टाइम के लिए अलग हो जाएगा। वेल, ये बात थोड़ी थ्योरी पर बेस्ड है। सो जैसा मैंने आपको पिछले पॉइंट में बताया कि मूवी के 20 से 25 मिनट बाद ही एवेंजर्स थैनोस से लड़ने के लिए जा सकते हैं, तो ऐसा तो होगा नहीं कि वो उससे तभी जीत जाएंगे, क्योंकि हमें ये ऑलरेडी पता है कि थैनोस के पास अभी भी इन्फिनिटी स्टोन्स हैं, और इसके अलावा उसका काम इन्फिनिटी वॉर में ही पूरा हो चुका है, तो वो एवेंजर्स से लड़ेगा क्यों? मे बी जैसे वो इन्फिनिटी वॉर में स्पेस स्टोन को यूज करके चला गया था, वैसे ही वो एवेंजर्स के आने पर अपने दूसरे प्लेनेट टाइटन 2 से चला जाए, क्योंकि वो ये बिल्कुल नहीं चाहेगा कि उसका किया हुआ सारा काम बेकार हो जाए। सो अगर ऐसा हुआ तो इस बार तो थॉर पक्का टीम को छोड़कर चला जाएगा, और पिछले ट्रेलर्स को देखकर कुछ ऐसा ही लगा था। नंबर 6, अब गाइस मूवी का ये सीन ये तो पक्का फाइनल बैटल है, क्योंकि जिस जगह ये सब कुछ हो रहा है वो शायद एवेंजर्स कंपाउंड है, क्योंकि ऐसे ही सीन्स हमने पिछले ट्रेलर्स में भी देखे थे जहाँ कैप्टन अमेरिका, रॉकेट, वॉर मशीन और एंटमैन लड़ रहे थे। और एक बैटल फील्ड में पेंसिल और हेडफोन जैक का दिखना ये तो अर्थ पर ही पॉसिबल हो सकता है। यहाँ तक कि कुछ टाइम पहले दिखे लेगो टॉय सेट्स में भी ये बात देखी गई थी कि एवेंजर्स कंपाउंड में थैनोस और हमारे हीरोज के बीच लड़ाई होगी। और गाइस मैंने इसे फाइनल बैटल इसलिए कहा क्योंकि यहाँ सब कुछ डिस्ट्रॉय हो चुका है, और ऐसा कुछ भी क्वांटम रियल में जाने से पहले तो नहीं होगा। पर गाइस हल्क हमें किसी भी ट्रेलर में नहीं दिखा है, तो उसका तो पक्का काफी इम्पोर्टेंट रोल होगा। इसके अलावा मूवी में थॉर फिर से हमें किसी सीक्रेट जर्नी पर जाता हुआ दिख सकता है। और रही बात एंटमैन की, तो यार उसके लिए हर फैन के माइंड में बहुत ज्यादा कन्फ्यूजन है, क्योंकि एंड गेम के सबसे पहले ट्रेलर में हमने देखा था कि वो बहुत जल्दी ही एवेंजर्स से मिल जाएगा। मतलब अगर एंटमैन इतना जल्दी आ जाएगा तो मूवी में इतना टाइम गैप क्यों दिखाया गया?
क्योंकि जिस तरह से सभी ट्रेलर्स में ब्लैक विडो के हेयर अलग अलग दिख रहे हैं तो उसे तो यही लगता है कि मूवी में कम से कम 2 या 3 साल का टाइम डिफरेंस तो जरूर होगा। अब ये सब टाइम ट्रेवल की वजह से होगा या फिर मार्वल ने पहले से ही ट्रेलर में फेक सीन रखे हैं वो हमें नहीं पता। अब गाइज ये वीडियो यहीं पर खत्म होती है, अगर आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और सुपर हीरो कॉमिक्स को फेसबुक और इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया तो फॉलो जरूर कर लें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।